फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपके पास नीचे नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट, हाँ ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ये भी ध्यान रखना भाई, सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है और बताना है कि उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स किस भाई, छोटा में छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो कि अगर जो मल्टीप्लाई करे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। फिर क्या होता है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट भी फाइंड करो तो ऑफ स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर रूट निकालो, सो ऑब्टेन। जो आपने कहने का मतलब, जो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन में 6 सम है, पर आज इस वीडियो में हम 3 सम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 3 सम और करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। टोटल 6 सम है। तो हमारे पास अभी फर्स्ट नंबर कौन सा है, 252 है, ठीक है। तो 252 जिस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 4 सी कह दे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरह ही बना है। मैं 2 का डबल लगाऊं, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, ओके। 2 का डबल लगाया, फिर 2 का डबल लगाऊं, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 का डबल लगेगा, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 का डबल लगेगा, 3 7 जा, 7 1 जा, ओके। तो देखो 252 के फैक्टर कौन से हैं, 252 इक्वल्स टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 जो है वो 2 टाइम है लिखा, 3 जो है वो भी 2 टाइम से वो लिखा, 7 ओनली 1 टाइम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2 की स्क्वायर और ये 3 की स्क्वायर, और यहाँ पे 7, सिर्फ 7 बचा, एक ही इसकी स्क्वायर नहीं हुई। तो आपको वही क्वेश्चन बोल रहा है, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मल्टीप्लाई बोल रहा है। तो इसमें आप देखो 7 की पेयर बनानी है हमें, तो 7 की पेयर बनाने के लिए 7 फुट रहा है ना, तो अगर जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायर अभी, इसकी स्क्वायर अभी 7 की नहीं आई, 7 एक फुट रहा है, बराबर ना। 7 हमारे को 7 की पेयर बनानी है, 7 की पेयर बनाने के लिए एक 7 तो है, दूसरा 7 फुट रहा है ना, तो जो फुट रहा है वही आपका आंसर है, ओके, वही आपका आंसर है। तो इस तरह हम बोलेंगे भाई, इस तरह बताएंगे 252 जो आपका नंबर दिया हुआ है, 252 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो हमें 252 जो है इसमें 7 पुट रहा है तो वही आपका आंसर है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमें 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 एंड 36, 3 कैरी किया, 7 2 जा 14, 14 एंड 3 17 हो गया। तो 252 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, बोला ना मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये नंबर आया। अभी ये जो नंबर है इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो क्या होगा, अभी 1764 है, ठीक है, इसे प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अभी क्या करोगे, अभी आपने क्या किया, 252 के तो आपने फैक्टर निकाले ही है ना, फिर खाली 7 से मल्टीप्लाई किया है। तो कहने का मतलब 1764 जो आंसर आया इक्वल्स टू क्या होगा, यही होगा भाई, 2 की स्क्वायर होगा इंटू 3 की स्क्वायर होगा एंड इंटू, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 स्क्वायर हो गया, एक तो 7 था ही, दूसरा 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की स्क्वायर, ओके, इस तरह करना है। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 6 7 जा 42 की स्क्वायर, मीन्स 1764 उसका स्क्वायर रूट क्या आया, 42 आया, बिल्कुल इजी, ओके। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया, अभी हम दूसरा सम करेंगे, अभी इसी तरह हम सेकंड नंबर करेंगे, ओके। हमारे पास सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, 180, तो सेकंड नंबर करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं।
टू का डबल लगाओ, टू नाइन जा 18, जीरो सेल, टू का डबल लगाओ, टू फोर जा वन कैरी किया, टू फाइव जा, फिर पीछे फाइव आ गया तो मैंने आपको बताया फाइव का डबल लगाओ, फाइव नाइन जा, फिर थ्री का डबल लगाओ, थ्री थ्री जा, थ्री वन जा, पीछे फाइव आ जाए तो फाइव का डबल लगाओ, इजी रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे आ गए मीन्स 180 के फैक्टर हमारे कौन से हो गए, टू मल्टीप्लाय टू, थ्री मल्टीप्लाय थ्री, मल्टीप्लाय फाइव। मैंने सिर्फ ये लिखा पहले टू मल्टीप्लाय टू, फिर ये लिखा थ्री मल्टीप्लाय थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर मैंने जो पेयर बन रही है तो वो आगे लिख दी। और दूसरी बात असल नहीं मॉडल में बनाया, पहले टू लिखा फिर थ्री लिखा फिर फाइव लिखा, इस तरह लिखोगे तो बेटर रहता है। तो टू जो है टू टाइम है वो लिखा, थ्री भी टू टाइम्स है वो लिखा, और इन टू फाइव लिखा, फाइव एक ही टाइम है, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम टू की स्क्वायर करें, टू मल्टीप्लाई टू मीन टू की स्क्वायर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मीन थ्री की स्क्वायर, और यहाँ पे तो फाइव तो एक ही बार है, फाइव की स्क्वायर हुआ ही नहीं, तो फाइव कितने घुट रहे हैं, एक घुट रहा है ना पेयर बनाने के लिए, फाइव एक वन टाइम तो है, अभी दूसरी बार भी मल्टीप्लाई करने के लिए एक फाइव घुट रहा है, तो जो घुट रहा है उसी से वही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 180 शुड बी मल्टीप्लाइड, 180 शुड बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई बोलो या मल्टीप्लाइड बोलो, जो भी आपको लिखना है चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फाइव, क्योंकि फाइव उठ रहा है, ठीक है ना, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, इजी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 180 इंटू फाइव करोगे तो क्या आएगा, 900 मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, तो आपका आंसर 900, 900 के पीछे फैक्टर नहीं निकालने हैं, आपको बताया मैंने 180 के आपने फैक्टर निकाले हैं, सिर्फ आपको 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने फैक्टर निकाले हैं 2k² एंड 3k² एंड आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पेयर बन जाएगी ना, तो 5 की पेयर बन जाएगी तो 5k² इसके इक्वल्स में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 उसकी स्क्वायर हो जाएगी, बराबर है, फिर मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 30 की स्क्वायर मीन्स 900 का रूट क्या हुआ, 30 हुआ। तो इस तरह है, बिल्कुल इजी है, आपको 180 का फैक्टर निकालना है, और 180 का फैक्टर निकालना है उसके बाद आपको देखना है भाई किसकी पेयर नहीं बन रही है, फाइव की पेयर नहीं बन रही है तो फाइव एक खुट रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगी, तो जो खुट रहा है वही आपका आंसर है, तो वही देखना है। 180 को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 180 से फाइव से मल्टीप्लाई किया तो वो 900 आया, तो 900 जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 900 का मैंने स्क्वायर रूट भी निकाला। तो इस तरह हमारा ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, अभी हम दूसरा सम करेंगे, अभी इसी तरह हम थर्ड नंबर करेंगे, ओके। हमारे पास थर्ड नंबर क्या है, 1008, ठीक है, तो इससे हम फैक्टर निकालेंगे, 1008, टू का डबल लगाओ, टू फाइव जा 10, जीरो से टू फोर जा, टू टू जा वन करेंगे, टू फाइव जा टू टू जा, टू वन जा टू टू जा, टू सिक्स जा, टू सिक्स जा एंड थ्री जा, बराबर ना, फिर थ्री का डबल लगाओ, थ्री टू जा वन जा, थ्री सेवन जा सेवन वन जा। तो देखो इस तरह आपके फैक्टर आ गए, तो 1008 उसके फैक्टर क्या है, टू 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 टू, टू चार बार आया, फोर टाइम्स आया, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ओके फोर टाइम लिखा, इसके बाद थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन। तो देखो यहाँ पे टू की पेयर बन गई, टू की पेयर बन गई, थ्री की पेयर बन गई, सेवन की पेयर नहीं बनी, तो मैं इस वैसे लिखूंगा टू की स्क्वायर एंड टू की स्क्वायर एंड थ्री की स्क्वायर एंड सेवन, सेवन की पेयर नहीं बनी, मीन सेवन की पेयर बनाने के लिए क्या घुट रहा है, सेवन एक घुट रहा है, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो पेयर बन जाएगी, तो जो घुट रहा है वही आपका आंसर। तो कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे, 1008 शुड बी, बराबर ना, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय सेवन, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, भाई परफेक्ट स्क्वायर हासिल करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करने का, मीन 1008 सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, सेवन खुट रहा है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करूं मैं, मीन्स क्या हो जाएगा, 56 जीरो से, मीन्स इस तरह हुआ, 7056, 1008 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7056,
अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 705। इसके फैक्टर फिर से नहीं निकालने हैं, आपके पास ये निकले हुए हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है आपने। ओके, तो इस तरह करेंगे हम, 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 7 की स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे में 7 की स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 की पेयर बन गए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर, बराबर ना। फिर अभी मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84, बराबर ना, 84 की स्क्वायर मींस क्या होगा 7056, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 84 होगा। ओके, तो इस तरह हमारा ये थर्ड नंबर भी सम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आज हमने 3 सम किए, और भी 3 सम है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।